If the arithmetic mean between 5 and b is 10, then find the value of b. कहता है arithmetic mean 5 और b 10 के दरमियान, sorry 5 और b के दरमियान arithmetic mean क्या है? 10 है. For example ये इस तरह लिखा हुआ है कि 5, 10 and b. 5 और b के दरमियान एक arithmetic mean है, एक ही given है, वो क्या है? 10 है. तो फाइंड क्या करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर इस तरह की हमारे पास एक सीरीज हो, ए वन हमें मालूम हो, ए टू मालूम हो, ए थ्री फाइंड करना हो और पता हो अरिथमेटिक सीरीज है, ए एम इस तरह हमें गिवन है इसमें, तो ये क्या मान इस तरह भी लिख दिया जा सकता है कि ए वन इज इक्वल टू 5, ए टू क्या है 10 है. तो इसको डिफरेंस अगर लूँ, मैं डिफरेंस फाइंड करूँ, ए टू माइनस ए वन जो कि क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, 5 कॉमन डिफरेंस. अरिथमेटिक सीरीज में डिफरेंस क्या होता है? कॉमन रहता है. अरिथमेटिक सीरीज में डिफरेंस कॉमन रहता है, 5 ही रहेगा. तो इसमें 10 में जब 5 ऐड करेंगे तो ए थ्री क्या बन जाएगा? ए थ्री बन जाएगा ए टू प्लस डी जो कि क्या है 10 प्लस 5, सॉरी 10 प्लस 5 ये है 15. तो ए थ्री क्या आ जाएगा? 15. और ए थ्री क्या है? बी है. बी क्या है? ए थ्री है ना, तो बी क्या आ जाएगा? 15. अच्छा, अगर इसका आप थोड़ा लेंथी है तो हो गया, तीन स्टेप में आपका सवाल हल हो जाएगा अगर इस तरह आप करते हैं. और अगर ये ज़्यादा आ जाता है, लेंथी आपको करना पड़ जाता है थोड़ा सा, तो आप इसको इस तरह करें, कर सकते हैं. ये मुकम्मल मैंने सवाल हल कर दिया था, 15 आएगा जवाब. इसका दूसरा मेथड ये है, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो ये है कि हम कह देते हैं अगर ए एंड B is an arithmetic progression. अगर A A B क्या हो? एक arithmetic progression हो, ठीक है? तो उसमें A क्या होता है? arithmetic mean. A M या A कौन सा है? वो क्या होता है? A plus B over 2. अब इसमें क्या A क्या है? 5 है. इसी अगर मैं इस तरह लिखूँ इसको, ये A क्या है? 5 है. अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड बी इज 10. तो ए क्या है? अरिथमेटिक मीन जो उनसा है वो है 10 और बी बी है. तो इस फार्मूले में क्या बन सकता है? इसका लिखा जा सकता है कि ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू बी एंड ए एम इज इक्वल टू 10. तो इनमें पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा? 10 इज इक्वल टू 5 प्लस बी ओवर 2 क्या बन जाएगा? 20 इज इक्वल टू 5 प्लस बी और बी क्या बन जाएगा? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15. इसमें आपको एक ये फार्मूला जेन दोबारा से याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका माइंड रिवाइंड होगा. लेकिन जब ये मैंने पीछे किया है वो डिफरेंस फाइंड करके मेथड, वो भी ठीक है. उसमें बस ये है कि हम जिस तरह पहले चल रहे थे हमें मालूम था, बस इसकी सीरीज को समझना पड़ेगा. यही तस्वीर बना के 5 10 बी, बी और 5 के लिए मैथमेटिक मीन 10 है, तो अरिथमेटिक मीन वाली सीरीज में हर नेक्स्ट टर्म में ऐड करते हैं डिफरेंस. तो डिफरेंस हम दो कॉमन टर्म्स का डिफरेंस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो ये हमारा 15 जवाब सेम आएगा, आंसर दोनों बार सेम आ रहा है. थैंक यू.